फ्रेंड्स, मैं ARSSM टेक चैनल से आज आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में बताऊंगा, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन के सामने आ चुकी है स्टार मेकर पे। और वो प्रॉब्लम क्या है, चलिए मैं आपको उस प्रॉब्लम से भेंट भी कराऊंगा और उसका सॉल्यूशन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो प्रॉब्लम यह है कि यदि हम स्टार मेकर पे इस तरह कोई ग्रुप बना रहे हैं चैटिंग के लिए, ठीक है, यदि हम चैटिंग के लिए ग्रुप बना रहे हैं तो हमारी ओनरशिप चली जा रही है 3 दिन में, है ना फ्रेंड, 3 दिन में हमारी ओनरशिप चली जा रही है, ठीक है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई कि यदि हम ग्रुप क्रिएट किए, कई सारे मेंबर्स ऐड कर दिए और यदि हमारे रूल्स के हिसाब से वो मेंबर उसमें एक्टिव नहीं हो रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उन्हें हम रिमूव नहीं कर सकते। पावर यही है कि हैंडल तभी हम उसको कर सकते हैं ग्रुप को, जब हमारे पास ये पावर है कि हम उसको रिमूव कर सकें। तो ये पावर हमसे छीन ली जा रही है, आप एक नॉर्मल मेंबर बन के रह जा रहे हो उसमें। तो इसके लिए आप जब भी ग्रुप क्रिएट करो, मेरा ये वीडियो देखने के बाद जब भी आप ग्रुप क्रिएट करने का प्लान करो, तो आप ये ट्रिक अपनाना कि जैसे कि सपोज दैट आपको करना क्या है कि आपको अपने किसी फ्रेंड से या तो ग्रुप बनवाइए जो कि आपको अटैच करके ग्रुप बनाए। जब आपको अटैच करके ग्रुप बनाएगा तो उसकी ओनरशिप 3 से 4 दिन के अंदर उससे छीन ली जाएगी और वो आपके आईडी पे ओनरशिप आ जाएगा। तो इस तरह से पावर आपके हाथ में आ जाएगा, या फिर आपके पास 2-3 आईडी है तो आप अपनी आईडी को ही, ठीक है, अपनी आईडी को ही अटैच करके ग्रुप बनाइए। वो ग्रुप कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे अटैच करना है। तो चलिए मैं अपनी किसी आईडी को टच करता हूँ और ग्रुप बना के देखता हूँ, जैसा कि मैं इनके साथ ग्रुप बनाता हूँ। रॉकी, इनके साथ ग्रुप बनाता हूँ। ग्रुप बनाने के लिए पहले तो जैसा कि मैंने आपने स्क्रीन में देखा कि मैंने इनको टच किया, टच करने के बाद ऊपर ये 3 लाइन है जिसे हम ऑप्शन बटन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें इंटर करते हैं, इसमें इंटर करने के बाद क्रिएट ए ग्रुप, क्रिएट ए ग्रुप जाने के बाद ये तब तक क्रिएट नहीं होगा जब तक हम एक तीसरे मेंबर को भी टच ना करें, ठीक है। तो आपको यही ध्यान देना, हम लोग करते क्या है कि हमारी आईडी में जितने भी मेंबर्स होते हैं, अरे ग्रुप बना रहे हैं तो चलो अपने दोस्तों को एक साथ क्लिक कर दें, दोबारा क्लिक नहीं करना पड़ेगा। तो आप ये गलती मत करना अब, क्योंकि यदि मैं ये क्रिएट करने से पहले ये सबको मार्क लगा दूंगा तो मेरी ओनरशिप जाने के बाद इन सारे मेंबर में किस पे ओनरशिप चली जाएगी इसका गारंटी नहीं है, किसी को भी ओनरशिप मिल सकता है। तो इसलिए यदि आपको पावर अपने हाथ में रखना है तो आप जिसके साथ अटैच हुए हो, यानी जैसे कि मैंने रॉकी के साथ अटैच किया फर्स्ट पे, तो सेकेंड एक कोई मेंबर चुनो, ठीक है, थर्ड नंबर पे। तो थर्ड नंबर पे मैं कोई मेंबर चुन लेता हूँ, जैसे कि इनको। ये टच करते ही ये क्रिएट का ऑप्शन आ गया, अब हमें किसी को भी टच नहीं करना है, हमें सिर्फ क्रिएट डन करना है। यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन जो है इसको हम क्रिएट पे टच कर देंगे, हमारा ग्रुप बन जाएगा। अब ये ग्रुप बनने के बाद अब आप इसमें किसी को भी ये इनवाइट के जरिए आप ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जब भी आपकी ओनरशिप जाएगी 3 दिन बाद, तो या तो ये फर्स्ट वाले को मिलेगी या फिर ये थर्ड वाले को मिलेगी, यानी कि इसी 3 आईडी के अंदर ओनरशिप बनी रहेगी, किसी के पास नहीं जाएगी। तो अब से ध्यान देना कि यदि आप ग्रुप क्रिएट कर रहे हो तो ये मेरा वीडियो देखने के बाद आप मिस्टेक से सबको ऐड मत कर लेना, क्योंकि वीडियो में मैंने दिखा दिया कि सबको ऐड नहीं करना है, बाद में करना है, पहले डन कर लेना 3 लोग को बना के, उसके बाद ही। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ और क्रिएट
कई सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन पाने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हो, और कमेंट पे बने वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके इसके लिए सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन दबा लेना। थैंक यू ऑल।